हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पांडा। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 100 सिनोनिम्स। सिनोनिम्स ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर एग्जाम पेपर में आने वाले 100 सिनोनिम्स मैं कवर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेविश, लेविश का सिनोनिम होता है लग्जूरियस, और हिंदी में इन्हें कहते हैं खर्चीला। डेलिकेट, डेलिकेट का सिनोनिम है फ्रिजाइल, हिंदी में इन्हें कहते हैं नाजुक। फेक, फेक का सिनोनिम है आर्टिफिशियल, हिंदी में इन्हें कहते हैं बनावटी। अबैंडन, अबैंडन का सिनोनिम है डिजर्ट, हिंदी में इन्हें कहते हैं छोड़ देना। फॉर्मर, फॉर्मर का सिनोनिम है प्रीवियस, हिंदी में इन्हें कहते हैं पिछला। हैंडी, हैंडी का सिनोनिम है एक्सेसिबल, हिंदी में इन्हें कहते हैं सुलभ। बिग, बिग का सिनोनिम है जायंट, हिंदी में इन्हें कहते हैं बड़ा। हम्बल, हम्बल का सिनोनिम है मॉडेस्ट, हिंदी में इन्हें कहते हैं विनीत। पीस, पीस का सिनोनिम है कामनेस, हिंदी में इन्हें कहते हैं शांति। लॉजिकल, लॉजिकल का सिनोनिम है सेंसिबल, हिंदी में इन्हें कहते हैं अक्लमंद। ड्राई, ड्राई का सिनोनिम है अरिड, हिंदी में इन्हें कहते हैं सूखा। डेस्टिनी, डेस्टिनी का सिनोनिम है फेट, हिंदी में इन्हें कहते हैं भाग्य। डेकोरेट, डेकोरेट का सिनोनिम है एम्बेलिश, हिंदी में इन्हें कहते हैं सजाना। अर्ज, अर्ज का सिनोनिम है रिक्वेस्ट, हिंदी में मतलब है अनुरोध। रिड्यूस, रिड्यूस का सिनोनिम है डिक्रीज, इन्हें हिंदी में हम कहते हैं कम करना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का सिनोनिम है कॉम्प्रीहेंड, हिंदी में इन्हें कहेंगे समझना। आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब है डिफिकल्ट, और हिंदी में मतलब है कठिन। डिलाइट, डिलाइट का सिनोनिम है प्लेजर, हिंदी में मतलब है आनंद। मेंड, मेंड को हम कहेंगे रिपेयर, हिंदी में इसका मतलब है सुधारना। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को हम कहेंगे पावर, और हिंदी में मतलब है शक्ति। हॉरर, हॉरर का सिनोनिम है फोबिया, और हिंदी में इसे कहेंगे डर या आतंक। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का सिनोनिम है कॉमन, और हिंदी में मतलब है साधारण। ओबे, ओबे का सिनोनिम है कंप्लाई, और हिंदी में मतलब है आज्ञा मानना। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का सिनोनिम है चार्मिंग, और हिंदी में मतलब है आकर्षक। डेंस, डेंस का सिनोनिम है थिक, और हिंदी में मतलब है गहरा। डिवाइड, डिवाइड का सिनोनिम है सेग्रीगेट, और हिंदी में कहेंगे विभाजित करना। क्लमजी, क्लमजी का सिनोनिम है ऑकवर्ड, और हिंदी में कहेंगे अनाड़ी। फॉलो, फॉलो का सिनोनिम है चेज, और हिंदी में हम कहेंगे पीछा करना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का सिनोनिम है डेसिमेट, और हिंदी में कहेंगे नष्ट करना। प्लेज, प्लेज का सिनोनिम है रेजोल्यूशन, और हिंदी में हम कहेंगे प्रतिज्ञा करना। एंग्शियस, एंग्शियस का सिनोनिम है रेस्टलेस, और हिंदी में मतलब है बेचैन। विक्ट्री, विक्ट्री का सिनोनिम है सक्सेस, और हिंदी में मतलब है जीत। डैमेज,
डैमेज का सिनोनिम है हार्म और हिंदी में मतलब है नुकसान पहुंचाना। प्रमोट, प्रमोट को हम कहेंगे एनकरेज और हिंदी में इसका मतलब है प्रोत्साहित करना। एजिटेट, एजिटेट का सिनोनिम है इनसाइट और हिंदी में हम कहेंगे भड़काना। एफर्ट, एफर्ट का सिनोनिम है एंडेवर और हिंदी में कहेंगे कोशिश। फिनिश, फिनिश का सिनोनिम है कंक्लूड और हिंदी में बोलेंगे समाप्त। होस्टाइल, होस्टाइल का सिनोनिम है एनिमी और हिंदी में कहेंगे विरोधी। डेंजरस, डेंजरस का सिनोनिम है हजार्डस और हिंदी में कहेंगे खतरनाक। एडमायर, एडमायर का सिनोनिम है कमेंड, हिंदी में कहेंगे प्रशंसा करना। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का सिनोनिम है क्लेवर, हिंदी में कहेंगे बुद्धिमान। हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम है ग्लैड, हिंदी में कहेंगे प्रसन्न या खुश। वीक, वीक का सिनोनिम है फीबल, हिंदी में मतलब है कमजोर। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का सिनोनिम है सिग्निफिकेंट, हिंदी में हम कहेंगे महत्वपूर्ण। थॉट, थॉट का सिनोनिम है आइडिया, हिंदी में हम कहेंगे विचार। वास्ट, वास्ट का सिनोनिम है एक्सटेंसिव, हिंदी में हम कहेंगे विस्तृत। क्राउड, क्राउड का सिनोनिम है मोब, हिंदी में कहेंगे भीड़। अनाउंस, अनाउंस का सिनोनिम है डिक्लेयर, हिंदी में हम इन्हें कहेंगे घोषणा करना। काम, काम का सिनोनिम है कंपोज्ड, हिंदी में कहेंगे शांत। एडमेंट, एडमेंट का सिनोनिम है स्टबन, हिंदी में कहेंगे हठी या जिद्दी। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का सिनोनिम है थैंकफुलनेस, हिंदी में कहेंगे आभार। ऑफेंड, ऑफेंड का सिनोनिम है डिसऑनर, हिंदी में हम कहेंगे अपमान करना। प्राइवेट, प्राइवेट का सिनोनिम है सीक्रेट, हिंदी में हम कहेंगे गुप्त। प्रोवाइड, प्रोवाइड का सिनोनिम है एंडाओ, हिंदी में हम कहेंगे प्रदान करना। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का सिनोनिम है ब्रॉल, हिंदी में हम कहेंगे विवाद। इंश्योर, इंश्योर का सिनोनिम है कंफर्म, हिंदी में हम कहेंगे सुनिश्चित करना। सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का सिनोनिम है इमोशंस, हिंदी में हम इन्हें कहेंगे भाव। एग्जामिन, एग्जामिन का सिनोनिम है एनालाइज, हिंदी में हम इन्हें कहेंगे जांच करना। हैपन, हैपन का सिनोनिम है अकर, हिंदी में हम इन्हें कहेंगे घटित होना। कंप्लेंट, कंप्लेंट का सिनोनिम है ग्रीवेंस, हिंदी में हम इन्हें कहेंगे शिकायत। डिपिक्ट, डिपिक्ट का सिनोनिम है डिस्क्राइब, हिंदी में हम इन्हें कहेंगे वर्णन करना। डेड, डेड का सिनोनिम है डिसीज्ड, हिंदी में हम इन्हें कहेंगे मृत। ब्राइट, ब्राइट का सिनोनिम है शाइनी, हिंदी में हम कहेंगे चमकदार। ऑसम, ऑसम का सिनोनिम है नाइस, हिंदी में हम कहेंगे बहुत बढ़िया। मौन, मौन का सिनोनिम है ग्रीव, हिंदी में हम कहेंगे शोक करना। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का सिनोनिम है होपलेस,
जिसे हम हिंदी में कहेंगे निराश। सर्टेन, सर्टेन का सिनोनिम है डिसाइडेड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे निश्चित। चैलेंज, जिसका सिनोनिम है डेयर, और हिंदी में इनका मतलब है चुनौती देना। अक्विट, अक्विट का सिनोनिम है रिलीज, जिनका हिंदी में मतलब है रिहा करना। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का सिनोनिम है रिवील, जिनका हिंदी में मतलब है भेद खोलना। क्वेरी, जिसका सिनोनिम है क्वेश्चन, और हिंदी में हम इन्हें कहेंगे सवाल या प्रश्न। बैंटर, जिसका सिनोनिम है जोक, और हिंदी में हम कहेंगे मजाक। सीवियर का सिनोनिम है इंटेंस, और हिंदी में हम कहेंगे तीव्र। डिबेकल, डिबेकल का सिनोनिम है डिफीट, जिसे हिंदी में हम कहेंगे पराजय या हार। रिएक्शन, रिएक्शन का सिनोनिम है रिस्पॉन्स, और हिंदी में हम कहेंगे प्रतिक्रिया। रेज, रेज का सिनोनिम है अपलिफ्ट, और हिंदी में हम कहेंगे उठाना या उत्थान करना। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का सिनोनिम है हेटफुल, जिनको हिंदी में कहेंगे घृणायुक्त। रिस्ट्रिक्ट, जिसका सिनोनिम है कन्फाइन, और हिंदी में हम कहेंगे प्रतिबंध लगाना। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक का सिनोनिम है स्ट्रोंग, और हिंदी में कहेंगे प्रबल। अगेंस्ट, अगेंस्ट का सिनोनिम है अपोजिट, और हिंदी में कहेंगे के खिलाफ। पैशन, पैशन का सिनोनिम है जील, और हिंदी में हम कहेंगे उत्साह। सिक्योर, सिक्योर का सिनोनिम है सेफ, और हिंदी में कहेंगे सुरक्षित। रिसीव, रिसीव का सिनोनिम है ऑब्टेन, और हिंदी में कहेंगे प्राप्त करना। ब्लाइंड, ब्लाइंड का सिनोनिम है साइटलेस, हिंदी में कहेंगे अंधा। डेलिकेट, डेलिकेट का सिनोनिम है फ्रेजाइल, हिंदी में कहेंगे नाजुक। फैंटेसी, फैंटेसी का सिनोनिम है इमेजिनेशन, हिंदी में कहेंगे कल्पना। बियर, बियर का सिनोनिम है टॉलरेट, हिंदी में कहेंगे सहन करना। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का सिनोनिम है एक्यूरेट, हिंदी में मतलब है सटीक। डिनाई, डिनाई का सिनोनिम है डिक्लाइन, हिंदी में कहेंगे अस्वीकार करना। स्टटर, स्टटर का सिनोनिम है स्टैमर, हिंदी में कहेंगे हकलाना। फेच, फेच का सिनोनिम है ब्रिंग, हिंदी में कहेंगे लाओ या लाना। इग्नोर, इग्नोर का सिनोनिम है निग्लेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे उपेक्षा करना। क्विक, क्विक का सिनोनिम है इंस्टेंटली, जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे झटपट या जल्दी से। फ्रीडम, फ्रीडम का सिनोनिम है लिबर्टी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे स्वतंत्रता या आजादी। चीयर, चीयर का सिनोनिम है अप्लोज, जिसे हिंदी में हम कहेंगे प्रोत्साहन। डाउट, डाउट का सिनोनिम है सस्पिशन, जिसे हिंदी में कहेंगे संदेह या शक। जेंटल, जेंटल का सिनोनिम है डिसेंट, जिसे हिंदी में कहेंगे सज्जन। इंसल्ट, इंसल्ट का सिनोनिम है डिमीन, जिसे हिंदी में कहेंगे नीचा दिखाना। मैनिएक, मैनिएक का सिनोनिम है इनसेन, जिसे हिंदी में कहेंगे
पागल। क्रूशियल का सिनोनिम है इम्पोर्टेंट, जिसे हिंदी में कहेंगे महत्वपूर्ण।